वहीं आरएलएसपी का दामन थामने की अटकलों को स्वामी प्रसाद मौर्य ने खारिज कर दिया। समाचार प्लस से खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी किसी पार्टी में शामिल होने या पार्टी बनाने पर कोई फैसला नहीं किया है। सभी दलों को अपनी ताकत का एहसास करा चुके स्वामी प्रसाद मौर्य के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। समाचार प्लस से इस वक्त खास बातचीत करने के लिए खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसमें आपके शामिल होने की बात कही जा रही है, कितना दम है इन बातों में? देखिए, ये केवल मीडिया की खुराफात के सिवा कुछ नहीं है, और यही मीडिया के लोग कभी मेरी भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री बनने के लिए समाचार फैला देते हैं, और कभी बिहार भेजने की कोशिश कर देते हैं। तो जब मैं सार्वजनिक रूप से पहले ही घोषित कर चुका हूं, मैं जो भी राजनीतिक फैसला लूंगा मैं उसे मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करूंगा। जो सितंबर में जो आपकी रैली बुलाई है आपने, उसमें भी एक बार फिर से आप ताकत दिखाएंगे, हालांकि पहले भी आप ताकत दिखा चुके हैं राजनीतिक दलों को। अगली रणनीति क्या होगी, किस तरह से आप रणनीति अख्तियार करेंगे, क्या माना जाए? देखिए, 22 सितंबर की रैली मैंने अपने कार्यकर्ताओं की चाहत के अनुरूप तय कर दिया है, और उस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मैंने ये भी कहा था कि मेरा राजनीतिक फैसला भी 22 सितंबर को सार्वजनिक सुनाया जाएगा। शुक्रिया। यह है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, और मीडिया को पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी बता दिया है, और पूरा जो फैसला है वो फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनता पर छोड़ा है। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ मितेश श्रीवास्तव, लखनऊ समाचार प्लस।